इंफीरियर टर्बिनेक्टमी या टर्बिनोप्लास्टी। नेजल ब्लॉकेज एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है। नाक से सांस नहीं आता, सांस लेने में परेशानी होती है और रुक रुक के सांस आता है। इसमें जब हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो कुछ कुछ कारण देखते हैं कि नेजल ब्लॉकेज क्यों है। ज्यादातर देखते हैं कि नेजल सेप्टल डेविएशन है, उसके साथ कभी कभी इंफीरियर टर्बिनेट्स एनलार्ज्ड होते हैं जिनको इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी कहते हैं। काफी बार देखते हैं कि अगर सेप्टम लेफ्ट साइड को डेविएटेड है तो इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी राइट साइड पे होती है, जिसको हम कॉम्पनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट कहते हैं। कभी कभी पेशेंट को पैराडॉक्सिकल ब्लॉकेज होती है, यानी कि सेप्टम बाएं तरफ डेविएटेड होता है लेकिन ब्लॉकेज पेशेंट राइट साइड में होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो टर्बिनेट इतना एनलार्ज हो जाता है कि कभी कभी ब्लॉकेज दूसरी तरफ ज्यादा होती है, सेप्टम की डेविएशन की साइड में कम होती है। और भी कारण होते हैं जैसे कि नेजल पॉलिप्स या कॉम्पा बुलोसा या बच्चों में जैसे एडेनॉइड बड़े होते हैं, तरह तरह के कारण होते हैं, लेकिन आज हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को इंफीरियर टर्बिनेट्स पे। जब हम डायग्नोज करते हैं कि आपका नेजल ब्लॉकेज इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी की वजह से है, उसके साथ और भी कारण हो सकते हैं। यूजली इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी के साथ कुछ ना कुछ सेप्टल डेविएशन होती है। तो नॉर्मल सर्जरी होती है सेप्टोप्लास्टी विद इंफीरियर टर्बिनेक्टमी, आल्सो कॉल्ड टर्बिनोप्लास्टी। इस सर्जरी को ज्यादातर हम नेजल एयरवे करेक्शन सर्जरी में मानते हैं, यानी कि आप डॉक्टर के पास केवल नेजल ब्लॉकेज लेके गए, डॉक्टर ने डायग्नोज किया ये नेजल ब्लॉकेज क्यों है और जो जो चीजें जिस जिस वजह से आपका नोज ब्लॉक हो रहा है उनको डॉक्टर को या सर्जन को करेक्ट करना है, ताकि सर्जरी के बाद आप ठीक तरह से सांस ले पाए। इंफीरियर टर्बिनेक्टमी इज पार्ट ऑफ नेजल एयरवे करेक्शन सर्जरी, आल्सो कॉल्ड टर्बिनोप्लास्टी। इंफीरियर टर्बिनेक्टमी लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकती है, पर ज्यादातर एज पार्ट ऑफ अ लार्जर सर्जरी वी प्रेफर टू डू इट अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में टर्बिनेट रिडक्शन या टर्बिनोप्लास्टी तरह तरह के किस्मों से होती है। सबसे पहला है कोल्ड स्टील सर्जरी, यानी कि हम छोटी सी इंसिशन देते हैं और अंदर के एंटीरियर वन थर्ड या फ्रंट पोर्शन ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट बोन को सब म्यूकोसली निकाल के और एंट्री बोन को ज्यादातर बाइपोलर पट्टी से सील कर देते हैं। और भी तरह है टर्बिनोप्लास्टी करने की। ओब्लेशन की स्पेशल बॉन्ड्स आती है जिसपे हम टर्बिनोप्लास्टी करते हैं, और आजकल रीसेंट तरीका है माइक्रो डिवाइडर के स्पेशल ब्लेड्स आते हैं जिससे आप सब म्यूकोसिस यानी कि म्यूकोजा या बाहर की लेयर के अंदर जाके आप टर्बिनेट को रिड्यूस कर सकते हैं। लेजर से भी टर्बिनेट रिड्यूस होते हैं। सो तरह तरह के तरीके हैं टर्बिनेट्स को रिड्यूस करने के। सर्जन की पर्सनल प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, आपकी चॉइस और सर्जरी में क्या रिक्वायर्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर टर्बिनेट रिडक्शन में हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट पोर्शन में ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये आपका नेजल वैल्व एरिया है जहाँ की टर्बिनेट एनलार्जमेंट की वजह से आपको सांस लेने में रुकावट ज्यादा होती है। इसके पीछे के एरिया में ब्लीडिंग का चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ज्यादातर सर्जन फ्रंट एंटीरियर वन थर्ड पोर्शन में ही ऑपरेट करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि टर्बिनेट की मीडियल सर्फेस जो हिस्सा सेप्टम की तरफ आता है वो आपका म्यूकोजल सरफेस है जिससे आपको सांस लेने का एहसास होता है। इस सरफेस को हम टच नहीं करते, हम लैटरल सरफेस में जाते हैं ताकि ऑपरेशन के बाद आप ठीक तरह से सांस भी लें और सांस और हवा जाने का एहसास भी हो आपको। टर्बिनेक्टमी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी वैस्कुलर स्ट्रक्चर, तो इसमें कभी कभी रिमूवल में ब्लड आ सकता है और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है। ज्यादातर इसको रोकने के लिए हम लेजर या बाइपोलर या किसी भी डायथर्मी का इस्तेमाल करके ब्लीडर्स को कॉटराइज करते हैं। टर्बिनेक्टमी के बाद सबसे अनफेवरेबल या बुरी कॉम्प्लिकेशन है एम्प्टी नोज सिंड्रोम। ये हमने तब देखा है अगर मीडियल म्यूकोजल सर्फेस यानी कि सर्फेस जो आपका नेजल पैसेज की तरफ फेस करता है, अगर उसमें हम ज्यादा सर्जिकल काम करते हैं, उसको ज्यादा बर्न करते हैं, उसके ऊपर लेजर लगा देते हैं
और उस एरिया की अगर सेंसेशन कम हो जाती है तो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली कंप्लेन करते हैं कि हमें सांस नहीं आ रहा। हम एंडोस्कोप डाल के सीटी स्कैन करके एग्जामिन करके देखते हैं, नेजल पैसेज क्लियर होता है लेकिन पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। इसकी वजह यह है कि वो म्यूकोसल सरफेस की सेंसेशन कम हो जाती है और ब्रीदिंग की सेंसेशन पेशेंट में कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो चोक्ड फील करते हैं और उनको ऐसे लगता है कि नाक से बिल्कुल सांस नहीं आ रहा। ये एक मुश्किल कॉम्प्लिकेशन है, इसको ट्रीट करने में समय भी लगता है। तरह तरह के हम टेक्निक्स एम्प्लॉय करते हैं ताकि एम्प्टी नोज सिंड्रोम से पेशेंट बच पाए। टर्बिनोप्लास्टी या टर्बिनेक्टमी अलॉन्ग विद सेप्टोप्लास्टी और अलॉन्ग विद एनी अदर एसोसिएटेड सर्जरी, चाहे वो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हो या एडेनोइड रिडक्शन सर्जरी हो, एक यूजफुल और सेफ सर्जरी है। इसके बाद आपका नाक से सांस लेना ठीक हो जाता है और नेजल ब्लॉकेज की कंप्लेंट चली जाती है।